याद रखिएगा, एक मैनेजर एक लीडर होता है, और लीडर हमेशा वही सक्सेसफुल होता है जिसके फॉलोअर्स होते हैं। मैनेजर के सबॉर्डिनेट होते हैं, तो अपने फॉलोअर्स डेवलप कीजिए, और फॉलोअर्स आपके तभी बनेंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि हमारा मैनेजर हमारे कैरियर को आगे ले जाना चाह रहा है। एक कल्चर एस्टैब्लिश करें, कल्चर ऑफ ग्रोथ एंड लर्निंग, कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का आप हिस्सा बन रहे हैं और एक ऐसी टीम के मेंबर हैं आप और आपकी टीम मेंबर्स, जो जिसका मैनेजर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है करियर ग्रोथ के हवाले से, लर्निंग के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, ग्रूमिंग के हवाले से। क्योंकि ये सारी चीज़ें जितनी भी आप डेवलपमेंट करेंगे अपनी टीम को, जितना स्किल सेट उनका एनहेंस करेंगे, जितनी बेहतरी उनके अंदर लेके आएंगे, आपका काम आसान होगा, क्योंकि वो सारी स्किल्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में इस्तेमाल। दोस्तों, अब हम उन बातों की तरफ आएंगे जो कि एज ए मैनेजर आपके लिए ज़रूरी है, जिसे हम टिप्स कहते हैं, टिप्स फॉर इम्प्रूवमेंट, ये पर्सनल इम्प्रूवमेंट टिप्स। ये वो बातें हैं जो सारी उन्हीं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से निकल के आएंगी, लेकिन जिसे आप व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट या डूज एंड डोंट्स कहते हैं, जो कुछ भी नाम देते हैं, मैं ऐसे टिप्स फॉर इम्प्रूवमेंट का नाम दूंगा। और अब जो हम आगे चलेंगे कुछ दिनों तक, उसमें ऐसे ही टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप अपने इस मैनेजरियल कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने अंदर बेहतरी ला सकते हैं एज ए मैनेजर।